हे गाइस, वेलकम 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 दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। रात को 11 बजे एक सरप्राइज आने वाला है। इंस्ट्रूमेंटेशन के PYQ सीरीज आने वाली है। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सोशल मीडिया पे भी ये देखा होगा हैंडलर पर, PYQ सीरीज आने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्पेशली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स। तो जिन IN वाले बच्चों को लगता है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा यूट्यूब पर, जिन IN वाले बच्चों को लगता है कि हमारे लिए यूट्यूब पे कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई पोर्टल नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए मैं बता दूं कि PYQ सीरीज आने वाली है और PYQ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दोज़ हू आर लाइव, वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यार, जल्दी जल्दी शेयर करो। संदीप, आशुतोष, आकांक्षा, कार्तिक, सद्दाम, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज PYQ सीरीज एंड विच इज गोइंग टू हेड टूडे। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN वालों के लिए PYQ सीरीज है। और सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सिग्नल सिस्टम लेक्चर 1। और कितनी बजे है रात को? रात को है 11 बजे, रात को 11 से 12, 11 PM इन द नाइट, रात को 11 बजे, रात को 11 बजे आ जाना। आई एम फाइन गाइस, हाउ आर यू? 11 बजे लेक्चर 1 है आपका। लास्ट 20 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है सिग्नल सिस्टम के, IN के, मैं सारे कराऊंगा। और ये यूजफुल है बेटा, देखो सेशन EC वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है और IN वालों के लिए तो है ही। तो मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे रात को कमेंट सेक्शन में कि सर EC इलेक्ट्रिकल वाचे इस सेशन में क्यों आए? तो देखो यार, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कॉमन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो, अगर आपको डिजिटल की प्रैक्टिस करनी है तो आप EC और IN के कॉमन सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करो। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और अगर आप चाहते हो कि मुझे यार इंजीनियरिंग मैथ्स मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करो, सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांच के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगा लो, और जैसे जैसे आप लगाते जाओगे तो गेट लाइकली क्वेश्चंस लगाओगे तो प्रैक्टिस इजीली होती जाएगी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन का PYQ आ रहा है, सबको कोड मेरा पता ही होगा और ये बेटा चैनल पर फ्री आएगा। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, माहौल बना हुआ है क्लास में, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बेटा, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड आपको लगाना पड़ेगा PRAMEET10 या GATELIVE। ये दोनों मेरे कोड है, ऊपर हैशटैग भी चल रहा है। अगर आप देखें लेफ्ट में ऊपर हैशटैग चल रहा है GATELIVE DAILY। GATELIVE DAILY मीन्स रोज आपकी क्लासेज होंगी गेट की, सुबह 11 बजे और रात को 11 बजे यूट्यूब पर। अगर आप देखो तो ऊपर हैशटैग चल रहा है GATELIVE DAILY। GATELIVE DAILY मीन्स आपकी सुबह सुबह 11 बजे भी क्लास चलेगी और रात को 11 बजे। तो 11 बजे का टाइम याद रखना यार, 11 बजे सुबह भी और 11 बजे रात को भी, AM और PM दोनों, 11 बजे सुबह भी और 11 बजे रात को भी यार, ठीक है ना? इज इट क्लियर? और ये पूरा क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पर आएगा, फ्री आएगा बेटा, फ्री आएगा, ठीक है ना? सो गुड मॉर्निंग दोज़ हु आर जस्ट हॉपिंग इन, द चैनल, वेलकम एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव। दिस इज दी लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन PYQ सीरीज। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके लिए PYQ फटाफट आने वाले हैं, बाकी PYQ भी फटाफट आने वाले हैं। कुछ रिकॉर्डेड आएंगे, कुछ लाइव आएंगे, कुछ ईयर वाइज आएंगे, कुछ सब्जेक्ट वाइज आएंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव, गुड मॉर्निंग गाइस एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव, वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, पहले उसकी बात कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज हमारा टॉपिक है डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, टुडे इज पार्ट 3 ऑफ डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एरर की बात करेंगे PMMC और डायनेमोमीटर के। और कल जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, बेटा कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, जब सीरीज आएगी सिग्नल सिस्टम की तो नॉर्मल सी बात है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बताऊंगा हाउ टू सॉल्व, क्योंकि क्या है, सिग्नल सिस्टम इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, सिग्नल सिस्टम इज नॉट अबाउट थ्योरी, सिग्नल सिस्टम इज अबाउट बिल्डिंग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, इट इज अबाउट बिल्डिंग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आपने देखा होगा ना CTQ सीरीज चलती है स्पेशल क्लासेस पर, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बताते बताते कंसेप्ट भी बताएंगे। तो जल्दी जल्दी यार लाइक ठोको और यूट्यूब वाले सेशन को लाइक जरूर कर देना। आज रात 11 बजे जो सेशन है उसको लाइक जरूर कर देना, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सब पे मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, पहले इसको करते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर किन लोगों ने निकाला था। कल ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको,
two emitters X and Y have resistance 1.2 ohm and 1.5 ohm respectively, and they give full scale deflection of 150 milliampere and 250 milliampere. Guys, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो. कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन. The range have been extended by connecting shunt so as to give full scale deflection with 15 ampere. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दो एमिटर्स दे रखे हैं मेरे को X और Y, और मुझे उसकी रेंज एक्सटेंड करनी है. रेंज कितने से एक्सटेंड करनी है बेटा, 15 एम्पियर से. तो मुझे शंट लगाना पड़ेगा. तो 1.2 ओम पहला मीटर हो गया, दूसरा मीटर 1.5 हो गया, और उसका मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 150 मिली एम्पियर, और दूसरे मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 250 मिली एम्पियर. और मुझे रेंज कहां तक एक्सटेंड करना है बेटा, 15 एम्पियर रेंज एक्सटेंड करना है. ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस लगाओगे, और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, एमिटर में आर एम अपॉन एम माइनस वन. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस एमिटर को, इन दोनों एमिटर्स को मुझे पैरेलल में कनेक्ट कर देना है. तो एमिटर्स अलोंग विद द शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन प्लेस्ड इन अ सर्किट. सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस एमिटर एक्स. तो लेट्स डू द क्वेश्चन फास्टली, देन वी विल कम टू डायनेमोमीटर टाइप एरर्स. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन. तो यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू मीटर्स एक्स एंड वाई. रात को आ जाना बेटा 11 बजे, भूलना मत आना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी. और मैं बता रहा हूं, मैं सारे कॉमन सब्जेक्ट्स आपको करा दूंगा यूट्यूब पर, और 6 या 7 दिन में आपका सिग्नल खत्म हो जाएगा. ऐसे 6 या 7 दिन में आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, 6 या 7 दिन में आपका डिजिटल खत्म हो जाएगा, 6 या 7 दिन में आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा. तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कॉमन सब्जेक्ट्स के आईएन के. तो इसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है कि कॉमन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं दूसरी ब्रांच के, वो भी 1 घंटे में. रोज 6 घंटे में आपका सब कुछ हो जाएगा, नेटवर्क वगैरह सब कुछ, कॉमन सब्जेक्ट जितने भी सारे करा दूंगा, कॉमन सब्जेक्ट जितने भी सारे करा दूंगा, यानी नेटवर्क डिजिटल एनालॉग मेजरमेंट कंट्रोल सिग्नल मैथमेटिक्स जितने भी आपके कॉमन सब्जेक्ट है सारे मैं करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं. तो प्रवीण सर तो ऑलराउंडर है ही, आपको मालूम ही है. ऑप एम्प जितना भी है सब मैं ही करा दूंगा. सर मे आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज. यार टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन भेजा था तो मैं जवाब नहीं दे पाता. एक्चुअली मेरे पास मोबाइल में 1200 मैसेज रहते हैं. अब 1200 मैसेज तुम्हें लगता है कि मैंने देख लिया, 1200 मैसेज इन माय मोबाइल. तो अगर पर्सनल कुछ मैसेज भेजोगे तो कैसे देखूंगा मैं, बताओ. मैं भी इंसान ही हूं यार. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक चाहिए तो फिर आप प्लस पे आओ यार, प्लस पे आओ, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होती है, वहां वो वाली अटेंड करो, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा. लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं 4-5 क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं. देयर आर मोर देन 1200 पीपल आस्किंग क्वेश्चंस टू मी, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू आंसर द क्वेश्चंस. सो इट इज 150 मिली एम्पीयर. हियर इट इज सेकंड मीटर आर एम वाई, दैट इज 1.5 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन. और दूसरा मेरे जो फेसबुक हैंडलर वगैरह है वो सब मेरा एक बंदा है सुमित, वो हैंडल करता है. तो आपको लगता है मैं मैसेज देख रहा हूँ, जबकि ऐसा बहुत बार होता है कि मैं नहीं देखता हूँ. मैं रात को 9 बजे बाद ज्यादातर रिप्लाई कर देता हूँ बच्चों को. हाँ, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम दैट इज नोन एज एडिटर्स एंड हैंडलर्स फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस, दे विल हैंडल माय पेजेस. आर एस एच एक्स और आर एस एच वाई ये दो वैल्यूज हैं. कभी कभार मैं फ्री रहता हूँ तो मैं करता हूँ रिप्लाई यार बच्चों को. आर एम वाई और आर एम एक्स ये दो वैल्यूज है, आप समझना बात. इसको मेरे को 15 एम्पियर हैंडल करना है, मतलब वैल्यू इसकी एक्सटेंड करनी है, इसको भी 15 एम्पियर हैंडल करना है, मतलब एक्सटेंड करना है. ठीक है, ये मीटर एक्स हो गया, ये मीटर वाई हो गया, सुनना ध्यान से. ये आपका मीटर एक्स हो गया, ये मीटर वाई हो गया. अगर आप इसको आर एच एस एक्स निकालना चाहते हैं, आर एस एच निकालना चाहते हैं, तो बेटा कैसे निकालोगे, यहां से आर एस एच क्या होगा, आर एम अपॉन m minus 1. What is m here? 15 upon 150 milliampere. This is the value of m. So what is m? You can find out like this. 0.15, so it will be 100. So you put the value here. RMX is what? 1.2 divided by 100 minus 1. So RSH, the value of shunt resistance will be what? 0.012 ohm for meter X. And for meter Y, RSH Y is equal to meter upon m minus 1. So what is the value of m beta? In this case, m is what? 15 upon 250 milliampere. That is 0.25 in the denominator. So 15 upon 0.25, you find the answer. That will become 60. So you put here 60. RMY is 1.5.
डिवाइड बाय 60 माइनस 1, सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.025. The answer is 0.025 ohm. So this is RSH Y and this is RSHX. Is it clear to everybody? I think so. तो ये आपका मीटर हो गया बेटा X और Y. ये आपका मीटर हो गया X और Y. ठीक है? 0.025 is RSH Y and shunt resistance in X is 0.012. Okay? Now both the emitters are connected in parallel. The question says both the emitters are connected in parallel. So that means if both emitters X and Y are in parallel, guys. Parallel means you have to draw the diagram again. You have to draw the diagram again. So the question is like this. The question is like this. दो एमिटर्स हैं और ये पैरेलल में कनेक्टेड है. ये किस में कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में. तो इसको कैसे करेंगे? देखो, ये आपके दो मीटर हैं. ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया. ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे इसको. आप बेसिकली ये नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से. आप देख लो आर एम एक्स और ये मीटर वाई के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर एस एच वाई और इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे आर एम वाई. ये दो मीटर हो गए. ठीक है, इस मीटर में जो करंट जाएगा वो आई वाई जाएगा, इस मीटर में जो करंट जाएगा वो आई एक्स जाएगा. बिकॉज मीटर इज इन पैरेलल विद शंट, दैट इज एक्ट एज अ फुल मीटर, दिस एक्ट एज अ फुल मीटर वाई एंड द टोटल करंट थ्रू द मीटर इज 15 एम्पियर. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स. द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन आई एक्स. यू हैव टू फाइंड द करंट इन आई एक्स. सो प्लीज टेल मी द आंसर्स गाइस, व्हाट इज द आंसर. आई वॉन्ट द आंसर इन एम्पियर. द करंट, यू हैव टू फाइंड द करंट इन मीटर एक्स. Ix is the current in meter X that you have to find out. This is the question. So Ix की value बता दीजिए कितना आएगा. तो RSH और ये तो आपको पता ही है सब कुछ, तो बस बता दो. बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार. RSH X कितना है? 0.012 और RMX कितना था? 1.2. RSH Y कितना है अभी आपने निकाला? 0.025 और RMY कितना है? 1.5. तो ये तो आपका मीटर Y हो गया, ये आपका मीटर X हो गया. इसको पैरेलल में निकाल लो, वैल्यू कितनी आ रही है. अगर आप इसको पैरेलल में निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना. तो इसके लिए पूरा मीटर एक्स का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? मीटर एक्स का रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.012 पैरेलल विद 1.2, दैट इज 0.012 इनटू 1.2 डिवाइड बाय 0.012 प्लस 1.2. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स फ्रॉम हियर. सिमिलरली आर वाई कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस. आर एस एच वाई पैरेलल विद आर एम वाई and that can be equal to 0.025 parallel with 1.5. so the answer is 0.025 into 1.5 divided by 0.025 plus 1.5. so the answer of ry is, ry ka kuch na kuch answer aayega and that will come out 0.024 ohm. I think it is clear to everybody what is rx and what is ry. rx ki value kitni aa rahi hai koi comment section mein batayega. 99 milliampere is not the answer. 99 milliampere is not the answer. Akansha Srivastav is right. Current in IX is 10.22. Sandeep is also right. Sandeep is right. Yeah. And everybody is wrong. 0.09378 is wrong. Yeah. Wrong. Raj Prajapati is wrong. And Apurva Sahai is also wrong. So what is the resistance of RX? That is 0.011 ohm, guys. So RX RY aa gaya. RX RY aa gaya na beta. Ab RX RY aa gaya to solve kar lo. Kaam ho gaya tumhara. कितना आसान है. दो मीटर आ गए, दो पैरेलल ब्रांच है और आपको क्या निकालना है? आईएक्स ही तो निकालना है. कितना आसान है, इससे आसान तो क्या होगा दुनिया में. अब मैं देखो डायग्राम दो तीन बार आप लोगों के लिए बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये आरएक्स आ गया, ये आरवाई आ गया, ये टोटल करंट है बेटा 15 एम्पियर. यहां से करंट है आईएक्स और यहां से करंट है आईवाई. ठीक है, तो यू हैव टू यूज करंट डिवाइड रूल. You have to use current divide rule to find the answer. It's a very simple question, guys. You can do it very easily. So RY upon RY plus RX into total current is I, that is 15 amp. RY is what? 0.024 you have find out.
प्लस आर एक्स इज वॉट 0.011 एंड द टोटल करंट इज वॉट 15. सो यू कैन फाइंड द आंसर एंड द आंसर इज अप्रोक्सीमेट 10.28 एम्पियर. दिस इज द आंसर गाइस. दैट इज द करंट इन मीटर एक्स. दिस इज करंट इन मीटर एक्स. This is current in meter X. Okay? Is it clear, everybody? Is it clear to everybody? दस दशमलव जीरो तीन. अर्पित अरान बोल रहा है 10.03. पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई हिंदी में बोल रहा है. बोले 10.03. दशमलव का मतलब डॉट. अब यार मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ाऊं लेकिन अब मैं यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के हिंदी थोड़ी सीख गया हूँ. हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ाऊं लेकिन हिंदी मीडियम मतलब यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के जब बच्चे हिंदी बोलते थे ना, जैसे वो क्या बोलते थे विभव और वो करंट को बोलते थे. करंट को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते बच्चे, पारा पता नहीं, मैं भूल गया. हाँ तो मतलब वैसे हिंदी मुझे ज्यादा आती नहीं. 03 हाँ मतलब दशा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता ज्यादा. चलो अब आ जाओ यार एरर्स इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको बता रहा था. एरर्स इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था दो तरीके के एरर है जो मेनली है. एक होता है फ्रिक्शनल एरर, एक होता है फ्रीक्वेंसी एरर. इस बार में बात कर लेते हैं. देखो यार एरर इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रिक्शनल एरर क्या होता है. अगर टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत कम है तो फ्रिक्शनल एरर होगा. इसका मतलब क्या है? लो टॉर्क टू वेट रेशियो. वेट किसका? मूविंग कॉइल का. और टॉर्क मतलब क्या है? टॉर्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. मीटर कितना घूम रहा है, कितना घूम रहा है मीटर, कितना घूम रहा है. तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम होना चाहिए. अब देखो समझो इसका मतलब क्या है. आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था? आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था? नॉर्थ साउथ पोल थे, फ्लश लाइन बिल्कुल आ रही थी क्योंकि परमानेंट मैग्नेट था. तो क्या था कि वो करंट पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रहा था. लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप करंट देते हो तो नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसी हिसाब से आपका फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड करता है. ठीक है? यानी आपका जितना भी फ्लक्स बन रहा है यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि एम्पियर पे डिपेंड करता है मूविंग कॉइल के कि फ्लक्स लिंकेज कितना होगा. तो पीएमएमसी में तो क्या था? नॉर्थ साउथ पोल सेम थे. पीएमएमसी में क्या था? नॉर्थ साउथ पोल सेम थे. स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रेंथ वीक नहीं हो रही थी. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पर. स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पर. और मैंने आपको कहा था डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको कहा था ये फिक्स कॉइल है, ये एक और फिक्स कॉइल है और मूविंग कॉइल इसके बीच में लगता था नहीं लगता था दो फिक्स कॉइल के बीच में. तो करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर और किसी डिवाइस में 200 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती. तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? टर्न्स रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर आप टर्न्स रेशियो इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा? वेट इंक्रीज हो जाएगा. और वेट इंक्रीज हो गया मूविंग कॉइल का तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा. और टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो गया इसका मतलब फ्रिक्शन एरर बहुत ज्यादा होगा. फ्रिक्शन एरर बहुत ज्यादा होगा. तो ये कहानी जो मैंने आपको बोली है मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे. तो प्लीज राइट डाउन, कहानी लिख लीजिए क्या है. तो कंपैरिजन है बेसिकली, प्लीज लिख लीजिए. थैंक यू आकाश गुप्ता. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर कोर कॉइल्स, प्लीज राइट डाउन, इज एसेंशियली स्मॉल. एक सिंपल सा पॉइंट यार लिख लो, इससे आपको याद रहेगा. रिवीजन के टाइम में क्या होता है? याद रहता है. एंड देयरफॉर फ्लक्स लिंकेज डायनेमोमीटर में बहुत कम होता है. देयरफॉर फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर द फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर इन द मूविंग कॉइल आर फ्यू या वेरी लेस. आर फ्यू और यू कैन से वेरी लेस, दैट इज 3-4%. बहुत कम होता है यानी 3-4% ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन पीएमएमसी. तो मुझे इस फ्लक्स को बढ़ाना है ना भाई. पीएमएमसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां तो परमानेंट मैग्नेट है पर यहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है. फिगर ऑफ मेरिट का मतलब सेंसिटिविटी होता है. फिगर ऑफ मेरिट का मतलब सेंसिटिविटी होता है. फिगर ऑफ मेरिट का मतलब सेंसिटिविटी होता है. संदीप शाह, क्लियर बेटा? फिगर ऑफ मेरिट का मतलब सेंसिटिविटी. इसका मतलब क्या हुआ? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज लो. तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा.
क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड तो बी पे कर रहा है, पीएमएमसी में तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना है। और इसको इंक्रीज करने का तरीका क्या है, इसको इंक्रीज करने का तरीका या तो मैं करंट इंक्रीज कर दूं या मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं। तो करंट तो मैं 200 मिली एम्पीयर से ज्यादा इंक्रीज कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगा। और जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूंगा तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा, और टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो गया तो फ्रिक्शन एरर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। सो टू प्रोड्यूस a reasonable deflecting torque, the MMF, यानी magnetomotive force, the MMF of moving coil must increase. और ये इंक्रीज कैसे होगा, या तो मैं करंट इंक्रीज कर दूं या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं, तभी तो इंक्रीज होगा। तो दिस कैन बी इंक्रीज पीछे लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। दिस कैन बी इंक्रीज ओनली बाय टू थिंग्स, या तो करंट इंक्रीज कर दो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। तो या तो क्या करूं, इंक्रीजिंग करंट इन द मूविंग कॉइल, पर वो कर नहीं सकते, 200 मिली एम्पीयर मैक्सिमम लिमिट है, इंक्रीजिंग करंट ऑफ मूविंग कॉइल। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। तो मैंने आपको कहा था कि जब मैंने आपको सेफ्टी पिन वाला डायग्राम बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो मैंने कहा था जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दोगे और सेफ्टी पिन से अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि और फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। सो दिस करंट कैन नॉट बी इंक्रीज। देखो मैंने इसकी पूरी थ्योरी लिखा दी आपको। सो करंट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड, अगर करंट इंक्रीज कर दिया तो स्प्रिंग आपकी जो है वो हीटअप हो जाएगी, तो फिर तो बाइंड और अनबाइंड करेगा ही नहीं वो। बिकॉज इफ यू इंक्रीज द करंट बियॉन्ड 200 मिली एम्पियर देन स्प्रिंग्स वुड हीटअप, फिर तो वाउंड अनवाउंड कर ही नहीं पाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दोगे, एंड इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज, यानी एरर तो हमेशा ही रहेगा, एंड इफ नंबर ऑफ टर्न्स एन इंक्रीज्ड, तो वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है ना बेटा, द वेट ऑफ मूविंग सिस्टम इंक्रीजेस, और वेट ऑफ मूविंग सिस्टम बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि आपका टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ गया, और टॉर्क टू वेट रेशियो आपका अगर टॉर्क टू वेट रेशियो आपका कम हो गया, तो हाई टू टॉर्क वेट रेशियो मींस हैवी मूविंग सिस्टम। ठीक है ना, एक सेकंड, टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो गया, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर होता है, यानी लो टॉर्क टू वेट रेशियो यानी फ्रिक्शन एरर यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आइडियली कंडीशन ये है कि टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, आइडियल कंडीशन ये है कि टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम कम होना चाहिए। जो पीएमएमसी में मैंने आपको बताया कि वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम कम होता है और टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है, पर इस केस में टॉर्क टू वेट रेशियो कम है। तो ये पहला पार्ट था जिसको मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन एरर। सेकंड आपका होता है फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर के लिए आप एमीटर की भी बात कर सकते हो, वोल्टमीटर की भी बात कर सकते हो। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी एरर की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी एरर का मतलब क्या है, ये फिक्स कॉइल और ये मूविंग कॉइल, ये आपका क्या है बेटा, वोल्टमीटर। तो अगर मैं पहला केस ले लूं वोल्टमीटर के लिए, अगर मैं पहला केस ले लूं वोल्टमीटर के लिए, तो ये फिक्स कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है। तो मैंने मान लीजिए मूविंग कॉइल के लिए जो इंडक्टेंस है वो LM मान लिया, और दोनों फिक्स कॉइल के लिए मैंने इंडक्टेंस जो है वो मान लिया LF, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने फिक्स कॉइल का मान लिया LF, और मूविंग कॉइल का इंडक्टेंस मान लिया मैंने LM, और जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया R। तो टोटल इंपेडेंस सर्किट का क्या होगा, क्योंकि यहां पर तो वोल्टेज आपने क्या लगाया बेटा, V, टोटल सप्लाई वोल्टेज आपने क्या लगाया बेटा, V। तो जब टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर आपने V लगाया है, यहां पर सप्लाई की वैल्यू कितनी है V, तो इस सर्किट का कुछ ना कुछ इंपेडेंस होगा या नहीं होगा, इस सर्किट का कुछ ना कुछ इंपेडेंस होगा, एंड दैट इंपेडेंस इज गिवन बाय LM इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल, LM इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल।
और यहां पर एल एफ क्या है, फिक्स्ड कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉइल। तो टोटल इंपेडेंस अगर इंस्ट्रूमेंट का ले आप एमीटर का, वोल्ट मीटर का टोटल इंपेडेंस ले, तो जेड क्या लिखोगे, आर प्लस जे ओमेगा एल एफ प्लस एल एम, ये लिखोगे। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है जेड का तो कैसे लिखोगे आप, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको एल मान लो, अरे इसको एल मान सकते हो, पूरे को एल मान लो, टोटल एल, एल किसके बराबर हो गया, एल एफ प्लस एल एम। सो दिस इज ओमेगा एल एंड दैट इज स्क्वायर। सो दिस इंपेडेंस डिपेंड ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। दिस जेड डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज इंपेडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज दिस इंपेडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंस दिस इज द केस ऑफ वोल्ट मीटर, ये किसका केस है बेटा, वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर में आपको पता होगा डिफ्लेक्टिंग, जो डिफ्लेक्शन था वो था वी स्क्वायर बाय जेड डी एम बाय डी थीटा। अब मुझे बताओ, अगर डिफ्लेक्शन तो मुझे ज्यादा चाहिए, तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, वन बाय जेड के। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो थीटा कम हो जाएगा, और जेड की वैल्यू ज्यादा कब होगी, फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी। सो द वैल्यू ऑफ जेड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो द वोल्ट मीटर टेंड्स टू रीड लो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। एज ओमेगा इंक्रीजेस जेड ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड जेड इंक्रीजेज थीटा डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्ट मीटर टेंड्स टू रीड लो, डिफ्लेक्शन कम आएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से हमेशा एरर आएगा ही आएगा। तो लोग कह देते हैं कि इसका कॉइल वाला पार्ट है, इसका जो कॉइल वाला पार्ट है उसकी इंपेडेंस कम रखी है, तो कम रख लो या ज्यादा कर लो, लेकिन एरर तो हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टर्म प्रेजेंट ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी का टर्म प्रेजेंट ही रहेगा। तो लोग बोल देते हैं कि कॉइल वाइंडिंग जो है, कॉइल वाइंडिंग है उसमें स्मॉल पार्ट रख लो कॉइल वाइंडिंग का, ताकि ओमेगा की वैल्यू कम से, ओमेगा की वैल्यू एल से कम डिपेंड करे। लेकिन ऐसा कुछ भी कर लो, हमेशा एरर तो आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नीचे यहाँ पे लिख लीजिएगा, यू कैन राइट इट डाउन हियर। सो द वैल्यू ऑफ जेड यानी इंपेडेंस increases with frequency, so voltmeter tends to read low। अगर मेरी वीडियो के पीछे छुप गया हो तो कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उससे डिक्टेट कर लेना, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे लिख लेना। सो द वोल्टमीटर टेंड्स टू रीड लो, सो द वोल्टमीटर टेंड्स टू रीड लो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो बात समझ में आ गई ना, सो there is always a frequency error in voltmeter, so this is for voltmeter, that means electrodynamometer voltmeter ki hum baat kar rahe hain, I think it is clear to everybody, okay, so due to this frequency there is an error, okay। to main ye maan ke chalta hu ki agar mujhe error kam karna hai to main ye maan ke chalta hu ki yahan par is coil mein dekho, ye coil jo hai, coil ka matlab usme ek resistance part hai aur ek inductive part hai, yahi to hota hai। इस मूविंग कॉइल में भी ऐसे एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, इस फिक्स कॉइल में भी एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं अगर मुझे एरर रिड्यूस करना है तो जो ये कॉइल वाला पार्ट है इसमें एल की वैल्यू बहुत कम से कम हो ताकि ओमेगा पे कम से कम डिपेंडेंसी हो, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो इस कॉइल के अंदर, तभी तो एरर कम होगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी एरर कम करना है तो अ कॉइल वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्किट, अ कॉइल वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्किट, इज इट क्लियर। चलिए एमीटर के लिए बात करें, तो एमीटर के लिए बात करें तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं एमीटर्स के लिए एरर्स इन एमीटर, तो एमीटर में तो आपको पता ही है कि आपका फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल पैरेलल में होता है, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल आपका पैरेलल में होता है, दिस इज द टोटल करंट गाइस, दिस इज द टोटल करंट आई, ये आपका मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल मैंने कहा कॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, तो मैंने दोनों ले लिए। ऐसी आपकी फिक्स कॉइल है उसका कुछ इंडक्टेंस होगा, तो आप चाहो तो इसको एल वन आर वन ले लो और इसको एल टू आर टू ले लो, ये आपका मूविंग कॉइल वाला पार्ट हो गया, ये आपका फिक्स कॉइल वाला पार्ट हो गया, और ये तो आपको पता ही है पैरेलल में होते हैं, ये आपका फिक्स कॉइल हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एरर कम से कम आए तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे करंट डिवाइड रूल लगाते हैं, कुछ ना कुछ सप्लाई तो लगी होती, अरे कुछ ना कुछ सप्लाई तो लगी होती यहाँ पर, तो अगर आप इसको सॉल्व करते आई टू बाई आई वन यूजिंग करंट डिवाइड रूल, तो आई टू को क्या लिखते, अगर आई टू बाई आई वन को लिखना होता यूजिंग करंट डिवाइड रूल तो आई टू को क्या लिखते, I2 में क्या लिखते हैं, RF plus LF का square divide by this, अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, I2 by I1 को क्या लिखते हैं, R1 that is given by RF square plus omega LF square divide by under root RM square plus omega LM square। इसमें किसी को डाउट है क्या, कैसे लिखा मैंने, इसमें किसी को डाउट है,
इसमें किसी को डाउट है ये कैसे लिखा मैंने यूजिंग करंट डिवाइड रूल? ज्योति पटेल, क्या समझ में नहीं आया तुमको बताओ? प्रीवियस केस में मैंने कहा फ्रीक्वेंसी एरर कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी एरर होता है वो फ्रीक्वेंसी, ये सबको समझ में आया नहीं आ रहा? एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ यार। मैंने कहा ये वोल्टमीटर का केस है तो आपको पता है फिक्स कॉइल मूविंग कॉइल के सीरीज में होती है, तो जो टोटल इंपेडेंस है, टोटल इंपेडेंस जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पर और इंडक्टेंस पर। तो मैंने कहा जेड क्या होता है नेटवर्क के हिसाब से लिखोगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो ओमेगा पे डिपेंडेंट है जेड, ओमेगा पे डिपेंडेंट है जेड। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एसी वोल्टमीटर की, जेड इंक्रीज होता जाएगा, और अगर जेड इंक्रीज हो गया तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यार अगर कोई बीच में क्लास में आया तो मैं उसका क्या कर सकता हूं? तो जो लोग मेरी क्लासें बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको तो सब समझ में आ रहा होगा। So now what I am saying, using current divide rule, if you find I2 by I1, so I2 is what? If you want to find the current in I2, you have to write दूसरी ब्रांच का इंपेडेंस आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई द इंपेडेंस ऑफ द टूगेदर ब्रांचेस, एडिशन ऑफ द ब्रांचेस, मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट। अरे ऐसे तो लिखोगे, अगर I2 को लिखना होता करंट डिवाइड रूल से तो क्या लिखते? अंडर रूट आर एम, अगर I2 को लिखना होता तो क्या लिखते? आर एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एफ स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट आर एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर इनटू आई। ऐसे तो लिखते बेटा करंट डिवाइड रूल से आई टू। इसी तरीके से आई वन भी आप ऐसे ही लिखते हैं। आई वन क्या लिखते? अंडर रूट आर एम स्क्वायर, आई वन किस में जा रहा है? इसके अंदर, प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर डिवाइड बाय अगेन दिस पार्ट इनटू आई। ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कट जाता, तो आई वन आई टू इस तरीके से आ जाता। अगर आपको आई वन बाई आई टू निकालना है तो इस तरीके से आ जाता, नहीं आ जाता आई टू बाई आई वन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, हाँ फ्रीक्वेंसी एरर सब में ही होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी एरर एमीटर में भी होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, लेकिन मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी एरर को रिड्यूस कर सकता हूं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, समझो बात को। हाउ टू रिड्यूस द एरर, लिसन टू मी नाउ। सो आई टू बाई आई वन इज गिवन बाय, लिसन टू मी केयरफुली, इट इज गिवन बाय, इसको कुछ भी नाम दे दो, जेड वन जेड टू, आप चाहो तो जेड वन जेड टू नाम दे दो, इस वाले को पूरे को जेड वन नाम दे दो, इस वाले को जेड टू नाम दे दो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, आर एम, इसको क्या लिखोगे आप, जेड वन अपॉन जेड टू, ऐसा लिख लो, कोई मना थोड़ी है। इस वाले पूरे इंपेडेंस को जेड वन नाम दे दो, इस वाले पूरे इंपेडेंस को जेड टू नाम दे दो, और ये डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा है वो जेड वन प्लस जेड टू हो गया, ये डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा है वो जेड वन प्लस जेड टू हो गया बच्चों। ठीक है, चलो आई टू बाई आई वन क्या हो गया, अब देखो ध्यान से देखना, आर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, टेक आर एम कॉमन फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज आर एम स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा एल एम अपॉन आर एम एंड दिस इज स्क्वायर, आर एम स्क्वायर टेक कॉमन, देन 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा एल एम अपॉन आर एम स्क्वायर लाइक दिस, डिवाइड बाय, टेक आर एफ स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस ओमेगा एल एफ बाय आर एफ स्क्वायर। तो इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एरर इन दिस केस, if you want to reduce the frequency error in this case, take the time constant of both the coil as same, that is lm upon rm is equals to lf upon rf. What is the time constant of the coil? L upon r. In lr circuit the time constant of the coil is l upon r. So if you take the time constant of the two coils same, if time constant of two coils आर सेम, अगर मैंने टाइम कांस्टेंट सेम ले लिया बेटा, एल एम अपॉन आर एम इक्वल टू एल एफ अपॉन आर एल ले लिया, तो आई टू बाई आई वन की वैल्यू, देखो एल एम अपॉन आर एम सेम ले लिया तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एम स्क्वायर अपॉन आर एफ स्क्वायर का रूट आर एम अपॉन आर एफ, और यू कैन राइट आर वन अपॉन आर टू। सो द करंट रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द करंट रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी,
So the time constant in that condition, L2 upon R2 is equal to L1 upon R1. So the current ratio is independent of frequency. अब देखो ये फ्रीक्वेंसी कितना ही बढ़ाओ या कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कॉइल हाँ बेटा मैं कर देता हूं, कर रहा हूं, टेंशन मत लो, कर रहा हूं। इसको थोड़ा ठीक कर लो यार, वो एल एफ आर एफ ऊपर था ना, मैंने गलती से लिख दिया, मैं ठीक कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आई एम डूइंग इट। ओके आई एम डूइंग इट। दिस इज बेसिकली आर एफ, दिस इज आर एम, सो दिस इज एल एम एंड दिस इज एफ, दिस इज एल एफ अपॉन आर एफ एंड दिस इज एल एम अपॉन आर एम। ओके आई एम डूइंग इट, डोंट वरी। दिस इज अगेन आर एम, दिस इज अगेन आर एम अपॉन, सो आर एम इज वॉट आर टू। ओके सो दिस इज आर एफ अपॉन आर एम। सही कर दिया बेटा मैंने, सही कर दिया उसको, ठीक है। चलो वो पीछे वाले पेज से जब लिखते हैं तो याद नहीं रहता ना क्या लिख रहे हैं, प्रीवियस पेज पे क्या लिखा है वो पता नहीं पड़ता ना नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, क्लियर है। ये ऊपर आर एफ था बेटा तो ऊपर आर एफ कर देना। हाँ बेटा मैंने ठीक कर दिया, उल्टा हो गया मुझे मालूम, पर ठीक कर दिया, ऊपर आर एफ है नीचे आर एम है, तो आप ऊपर आर एफ लिख लो नीचे आर एम लिख लो, तो एल एफ अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एल एम अपॉन आर एम एंड दैट इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू। सो द करंट रेशियो इज, बेटा ठीक कर लेना, मैंने उसको ठीक कर दिया, ऊपर आप आर एफ लिख लेना नीचे आप आर एम कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाता है उसमें क्या। द करंट रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज आई टू बाई आई वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, और यू कैन से आई वन बाय आई टू। So in that case, LF upon RF is equals to LM upon RM. So LF upon RF is equals to LM upon RM, or you can write like this, L2 upon R2 is equals to L1 upon R1. This is the time constant. So if the time constant of the moving coil and the fixed coil, beta time constant ko equal isliye karna hai taki frequency error kam kar sakein. Agar frequency error kam karna hai, to dono time constant barabar kar do, to aapka ye wala term aur ye wala term cancel ho jayega. ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो करंट का रेशियो है वो R1 और R2 पे डिपेंड करेगा। और अगर ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, देखो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी से I2 I1 डिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कट गया, इज इट क्लियर, इसलिए टाइम कॉन्स्टेंट मैंने दोनों का बराबर कर दिया। और अगर आप टाइम कॉन्स्टेंट बराबर नहीं करोगे तो एरर तो आएगा ही, तो एरर तो आ ही रहा है पहले भी, ठीक है। तो इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एरर, जस्ट टेक द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द बोथ कॉइल्स एज सेम, तो ओमेगा ओमेगा जो है वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी आई टू और आई वन पे। सिंपल मैथमेटिक्स है उसमें तो क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है उसमें तो प्रोफेसर क्या करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट फटाफट से। ये आपका क्वेश्चन है बेटा गेट 2014 का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, ये 2014 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, आप लोग देख लो एक बार, देख लो आप लोग, आइडिया लग जाएगा आपको। 2014 में आपके क्वेश्चन आया हुआ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है 2014 का, 2 मार्क्स का, पीएमएमसी और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों हैं इसके अंदर, पीएमएमसी और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो कैसे करना है वो भी देख लो। 2014 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, 2 मार्क का, पीएमएमसी और डायनामोमीटर दोनों का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करो। बताओ कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से दोस्तों। द डीसी करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय 2 एमिटर्स, 2 एमिटर आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है पीएमएमसी और डीसी मेजर करना है आपको, क्या मेजर करना है, डीसी, यानी डीसी डायनामोमीटर और डीसी पीएमएमसी दोनों डीसी है, ठीक है। चलो द पीएमएमसी मीटर, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल का ही है, ठीक है। चलो द पीएमएमसी मीटर contains 100 turns in the coil, मुझे आंसर चाहिए इसका यार। The PMMC meter contains, आपके पास 3 मिनट है सॉल्व करने के लिए। The PMMC meter contains 100 turns in the coil. The flux density in the air gap, is 0.2 Weber per meter square. यानी आपको number of turns दे रखा 100, flux density दे रखी है 0.2 Weber per meter square, यानी टेस्ला,
एंड द एरिया ऑफ द कॉइल इज 80 mm square. 80 mm square मतलब 80 × 10⁻³ × 10⁻³ यानी 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा एरिया. द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर डीसी एमिटर हैज अ चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, यानी आपको दे रखा dm/dθ गाइस, dm/dθ 0.5 मिली हेनरी पर रेडियन. एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ द कॉइल्स आर इक्वल, यानी बोल रहा है कि दोनों कॉइल में, दोनों मीटर में यानी पीएमएमसी में भी और डायनामोमीटर में जो के की वैल्यू है वो बराबर है. सो द वैल्यू ऑफ करंट आपको फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों मीटर का डिफ्लेक्शन सेम हो. द वैल्यू ऑफ करंट एट विच द डिफ्लेक्शन ऑफ द टू मीटर्स आर सेम. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था बेटा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है. 2 mark का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का 2014 का. जल्दी से आंसर चाहिए मुझे. I want the answers fast. उसके बाद मैं आपको advantage disadvantage लिखा दूंगा इसके. फटाफट से यार आंसर 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 आंसर. सबको समझ में तो आ रहा है ना ये क्वेश्चन क्या है. एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं. आंसर बता रहा 1.788. गलत आंसर बेटा, 1.788 इज द रॉन्ग आंसर. 1.788 इज द रॉन्ग आंसर. एनीबडी इन द हाउस, एनीबडी इन द हाउस. बेटा कोई सा भी एग्जाम ले लो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ले लो, आरएएस ले लो, यूपीपीएससी ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, अगर आप आईएएस आरएएस भी देते हो या सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर आप इंजीनियरिंग चूज करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मेजरमेंट तो सेम ही रहता है ना. मेजरमेंट तो सेम ही रहता है. 3.19 संदीप इज सेइंग 3.19. लेट मी चेक इट. वी विल सॉल्व इट एंड देन आई टेल यू संदीप. ओके प्लीज गाइस टेल द आंसर फास्ट. यार बच्चे मेहनत ही करना नहीं चाहते यहाँ तो मुझे लगता है. बस बच्चे चाहते हैं कंटेंट मिलता जाए, आंसर ना बताओ. बाकी लोग आंसर क्यों नहीं बताते हो? मेरे को लगता है कुछ लोग तो YouTube पे लेटे लेटे ही देखते हैं, मतलब सोते सोते वीडियो देखते रहते हैं बस. मतलब पहले क्या होता था, टीचर जो है वो खड़े होकर पढ़ाता था, घूमते घूमते पढ़ा रहता था, बच्चे पहले पढ़ते रहते थे. बच्चों का कंफर्ट जोन नहीं था, टीचर का कंफर्ट जोन था. अब क्या हुआ है, टीचर को बैठे रहना पड़ता है टेबल कुर्सी लेके, लैपटॉप लेके, स्टूडियो लेके, ग्रीन स्क्रीन लेके, और बच्चा जो है वो सोता रहता है तकिए पे लेटा लेटा, क्वेश्चन देखता रहता है, पढ़ता रहता है, कमेंट सेक्शन करता रहता है. ऐसे ही है ना. तो थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो, फटाफट से आंसर बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो. स्टिल 15 मिनट्स टू गो. जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार. 3.2 इज द राइट आंसर. या 3.19 इज ऑल्सो द राइट आंसर. संदीप इज राइट, सद्दाम इज राइट. तो देखो यार बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. आपसे बोल रहा है एक पीएमएमसी ले लो और एक डायनामोमीटर ले लो, दोनों को सीरीज में लगा दो. ये तो बोल रहा है वो, दोनों को सीरीज में लगा दो. दोनों को सीरीज में कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा दो. वो बनाया क्या, लगा दो, लगाओ. ये आपका पीएमएमसी हो गया और एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, दोनों सीरीज में लगा दिए मैंने. तो इनको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया पीएमएमसी, ये मैंने सीरीज में लगा दिया. एक मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, या आप लिख सकते हो ईएमएमसी भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, एक ही बात है. इसमें कुछ ना कुछ करंट वैरी होगी, दोनों सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगी. तो वो बोल रहा है करंट की वैल्यू बताओ जब दोनों मीटर का डिफ्लेक्शन सेम हो. मान लो इस मीटर का डिफ्लेक्शन है θ1, इस मीटर का डिफ्लेक्शन है θ2, और मैं बोल रहा हूं जब θ1 θ2 बराबर है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी. जब θ1 θ2 बराबर है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, इतना ही तो निकालना है आपको. बहुत आसान सा काम है. तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले पीएमएमसी ले लेते हैं जो हम जानते हैं. तो पीएमसी क्या बोलता है, पीएमसी क्या बोलता है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगी तो मैं होऊंगा जीआई और ये होगा के थीटा, और इसको अपन ले लेते हैं θ1, क्योंकि ये पहले वाले का θ1 ले लेते हैं डिफ्लेक्शन. और पीएमसी अब मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो θ1 है और करंट तो सेम ही रहेगी. तो जी होता है बेटा आपका NBI यानी बीना और के θ1. तो यहां से θ1 निकाल लो कितना आ रहा है. θ1 की वैल्यू यहां से आ रही होगी NBA I/K. एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, फिर वहां कंपैरिजन ऊपर कर देंगे. तो
थीटा वन कितना हो गया बेटा, एन बीना अपॉन के, ये आपका थीटा वन हो गया पीएमएमसी के लिए। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के लिए निकालते हैं, इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के लिए निकालते हैं तो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के लिए क्या लिखते हैं, फॉर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, या आप इसको बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, डीसी है, ये भी डीसी पे है और ये भी डीसी की बात कर रहा है अभी। हाँ, तो ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्ट टॉर्क करंट में क्या होता है आई एम स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, और कंट्रोलिंग टॉर्क आपका के थीटा टू। और आपको मैंने बोला कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट इसका और इसका सेम है, इसलिए मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट सेम लिया है। और ईएमएमसी में मैं डिफ्लेक्शन क्या मान के चल रहा हूँ, डिफ्लेक्शन में मान के चल रहा हूँ थीटा टू, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, इसलिए मैंने सेम ले लिया। तो थीटा टू यहाँ से कैलकुलेट कर लो गाइस, थीटा टू कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाय के डीएम बाय डी थीटा। तो ये आपका थीटा टू हो गया, ये थीटा वन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब थीटा वन थीटा टू बराबर है तो करंट की वैल्यू बता दो, तो बता दो कौन मना कर रहा है, अरे बता दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, थीटा वन और थीटा टू बराबर है तो बराबर करो इनको, एन बी ए आई अपॉन के इज इक्वल टू, थीटा टू कितना है आई स्क्वायर बाय के डीएम बाय डी थीटा। तो यहां से देखो एक आई और एक आई चला गया, आपका आई कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी, अगर आई निकालना है तो के और के कैंसिल बेटा, एक आई और एक आई कैंसिल, आई का मतलब हो गया एन बी ए अपॉन डीएम बाय डी थीटा, ये फॉर्मूला है बेटा, इसको सॉल्व करो आंसर निकालो, एन बी ए डिवाइड बाय डीएम बाय डी थीटा। तो सॉल्व कर लो एन बी ए डिवाइड बाय डीएम बाय डी थीटा, सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो फटाफट से, सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो फटाफट से क्या आ रहा है, बताइए, तेजी खत्म हो गया। हाँ, करंट की वैल्यू क्या है बेटा, एन बी ए डिवाइड बाई डी एम बाई डी थीटा, तो डीएम बाई डी थीटा आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 प्लस डेंसिटी 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया 80 एमएम स्क्वायर यानी 10^-6 मीटर स्क्वायर, डीएम बाई डी थीटा आपको दे रखा है 0.5 मिली हेनरी पर रेडियन, तो रेडियन है तो बहुत अच्छी बात है 10^-3, इसको सॉल्व करो करंट की वैल्यू आएगी 3.2 एम्पीयर एंड दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, this is the condition when theta 1 and theta 2 are equal, the deflections in both the meter are equal, is it clear, everybody goes well live guys, chalo do teen baatein aur batani thi mujhe aapko, main aapko bata raha tha dynamometer type instruments ke advantage aur disadvantage, wo aap likh lo fir apan do numerical aur kar lenge time bacha do, to kyunki likhna zaruri hai, to please write down what are the advantage and disadvantage of electrodynamometer type instruments। तो देखो यार एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा था किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये एसी और डीसी दोनों में काम करता है आपको पता है, यानी ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज इट कैन बी वर्क फॉर बोथ डीसी एंड एसी, इट कैन बी वर्क फॉर बोथ एसी एंड डीसी। दूसरा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है एसी के लिए। तीसरी बात यह है कि जब अभी तक अपन ने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन जितने भी एडी करंट लॉस होते हैं या हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होता है, ना पीएमएमसी में होता है ना डायनामोमीटर में होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूविंग आयरन काम में नहीं लिया जा रहा है। तो जब मूविंग आयरन की बात करेंगे तो हिस्टेरेसिस की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट लिख लेना बेटा, पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, it can be work for both AC and DC, it can work for both AC and DC। second point क्या है, they are free from hysteresis and eddy current losses। देखो मैं लिखा इसलिए रहा हूं यहां पर, अभी अपन ने मूविंग आयरन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि यहां पे नहीं होते, तो जब अपन मूविंग आयरन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखना हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस क्या होता है, लेकिन यहां पे जबकि मूविंग आयरन नहीं है तो यहां पे लॉस नहीं होगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। दे आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, यार ये ऑनलाइन में एक थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बच्चे क्या करते हैं, हिस्टेरेसिस तो आपने पढ़ा होगा ना यार, ऐसे कर्व होता है, आप वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, जस्ट आई एम टेलिंग द पॉइंट्स, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं यहां पर बेटा,
कि मूविंग आयरन में हिस्टैरिसीस और एडी करंट होता है, तो मूविंग आयरन में मैं बताऊंगा ना, लेकिन क्या आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे टर्म ही यूज ना करूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखाते वक्त? एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखवाते वक्त मैं आपको लिखा रहा हूँ कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस नहीं होता है। आप बोलो तो मैं नहीं लिखाता हूँ, फिर मैं वही टर्म लिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है, हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है, ये अगर इनपुट है सुन लो अब, और ये आउटपुट है, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो ऐसे। अगर इनपुट है और मान लो इनपुट ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, इनपुट ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है और आउटपुट की वैल्यू ऐसे आ रही है मान लो, लेकिन मान लो जब मैं इनपुट की वैल्यू कम करता जाऊं और आउटपुट कुछ ऐसा आ जाए, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट आए इनपुट इंक्रीज करने पर और इनपुट डिक्रीज करने पर, यानी इनपुट इंक्रीज करने पर कुछ और आउटपुट आ रहा हो और इनपुट कम करने पर कुछ और आउटपुट आ रहा हो, उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस एरर। तो अभी मैं हिस्टैरिसीस नहीं पढ़ा रहा ना, तो यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा है? मान लो ना ऑफलाइन क्लास में भी तुम ऐसे परेशान करते हो टीचर को, कोई टर्म अगर मैंने गलती से लिख दिया, नहीं गलती से क्या मतलब मैंने लिख दिया, तो तुम ये चाहते हो कि मैं ईएमएमसी छोड़ के हिस्टैरिसीस पे आ जाऊं, ऐसा चाहते हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है बताओ? एक एक करके एक एक चीजें तो पढ़ेंगे ना। दे आर फ्री फ्रॉम हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है, क्योंकि यहां पे मूविंग आयरन नहीं है, ये मूविंग आयरन में होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आयरन। तो जहां भी आयरन होगा वहीं पे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होंगे या नहीं होंगे? एब्सेंस ऑफ आयरन, क्योंकि यहां तो मूविंग कॉइल है, मूविंग आयरन है ही नहीं, ठीक है, इन द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी में भी ये नहीं होता है और डायनामोमीटर में भी ये नहीं होता है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में एरर होते हैं। तीसरा, पीएमएमसी आपका डीसी मेजरमेंट के लिए सबसे अच्छा है और एसी मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आपके लिए डायनामोमीटर सबसे भी इजी बात है। तो क्या लिखोगे? वेरी यूजफुल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज। और डीसी मेजर करना है तो उसके लिए एक्यूरेट रीडिंग कौन देगा? पीएमएमसी, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पीएमएमसी सबसे एक्यूरेट रीडिंग कब देता है? डीसी के लिए। और एसी के लिए अगर आपको रीडिंग चाहिए तो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आपको एसी रीडिंग दे देगा, ठीक है। चलो अभी अपन ने बात करी है एमीटर और वोल्टमीटर की, वाटमीटर की बात नहीं करी, वाटमीटर में बात करेंगे तो आरएमएस की भी बात करेंगे। चलो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा फ्रिक्शन एरर बहुत ज्यादा होगा, पहली बात। टॉर्क टू वेट रेशियो कम होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो कम होता है यानी फ्रिक्शन एरर ज्यादा होगा, तो आप क्या लिखोगे? हाई फ्रिक्शन एरर, हाई फ्रिक्शन एरर। दूसरा, पीएमएमसी की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है इसकी बहुत कम होती है, तो क्या लिखोगे? सच इंस्ट्रूमेंट्स हैव लो सेंसिटिविटी इन ओम पर वोल्ट ओनली, पीएमएमसी में जो सेंसिटिविटी है वो किलो ओम पर वोल्ट में होती है। सच इंस्ट्रूमेंट हैव लो सेंसिटिविटी, एंड द यूनिट इज ओम पर वोल्ट ओनली, और पीएमएमसी में होता है किलो ओम पर वोल्ट। तीसरा, जो थीटा है वो आपका क्या है? रूट ऑफ आई स्क्वायर है, यानी या रूट ऑफ या मतलब रूट स्क्वायर वी स्क्वायर है, या थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और आई इज प्रोपोर्शनल टू रूट थीटा एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट थीटा, यानी स्केल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा, इसकी कॉस्ट ज्यादा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, तो कॉस्ट इज हायर देन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक बात और मैंने सीख लिया आज YouTube से कि हर बच्चे को सेटिस्फाई करना तो बहुत खतरनाक काम है, मतलब लोग तो भगवान से भी कुछ नहीं होते, लोग तो भगवान से भी कुछ नहीं होते। तो अब मैं कल से क्या करूंगा, जब भी थ्योरी पार्ट लाऊंगा तो मैं हाथ से लिखूंगा ही, थ्योरी पार्ट जब मैं कल से लेके आऊंगा तो मैं आपके लिए सारा टाइप फॉर्म में लाऊंगा, बात ही खत्म, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, पावर कंजम्पशन पीएमएमसी में बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो पावर कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा होता है बशर्ते पीएमएमसी के। तो आप क्या लिखोगे? पीएमएमसी में पावर कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली माइक्रोवाट में होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, तो हायर पावर कंजम्पशन, हायर पावर कंजम्पशन देन पीएमएमसी। तो ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे जो मैंने आपको बता दिए, ये बेसिक आइडिया है कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। मैंने आपको ये 2014 का इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल तो कराई दिया, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और था बेटा पीएमएमसी का, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल और है आपका पीएमएमसी का, ये 2017 में पूछा हुआ है, आप देख लो। 2017 का न्यूमेरिकल है, वन मार्क का न्यूमेरिकल है, गेट का क्वेश्चन है। पीएमएमसी का क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग,
सो दिस इज द करंट आई टी, ये आपको दे रखा है वेव फॉर्म आई टी करंट का, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट आई टी, दिस इज आई टी एंड दिस इज टाइम एंड द टाइम इज इन गिवन मिली सेकेंड्स, टाइम आपको दे रखा है मिली सेकेंड्स में, दिस इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट टाइप एमिटर, यानी ये पीएमएमसी एमिटर की तरह काम कर रहा है एंड रीडिंग ऑफ द एमिटर अप टू टू डेसिमल प्लेसेस विल बी, पीएमएमसी की रीडिंग बतानी है, पीएमएमसी रीड क्या करता है डीसी और क्या दे रखा है एमिटर, डीसी का मतलब क्या होता है एवरेज वैल्यू रीड करेगा, डीसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू रीड करेगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा, पर मैं आपको 2020 का एक क्वेश्चन करा देता हूं इलेक्ट्रिकल का एमिटर का, लल्लू सा क्वेश्चन था बिल्कुल 2020 का, गेट 2020 का एमिटर का क्वेश्चन एक लल्लू सा, वो भी बता देता हूं क्या है, बता दो फटाफट से, डीसी एमिटर है एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज विल बी व्हाट, एवरेज वैल्यू विल बी व्हाट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है एरिया अंडर द साइकिल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में टाइम पीरियड कितना आ रहा है, अगर आप टाइम पीरियड निकालो या फुल साइकिल के लिए आएगा 2 मिलीसेकंड, आ रहा है नहीं आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, याद रखना यूनिट आपको मिलीसेकंड में दे रखा है 2 मिलीसेकंड, एरिया निकाल दो इसका, इसका सिर्फ एरिया ही तो निकालना है, तो आई एवरेज क्या होगा एरिया अंडर द साइकिल या एरिया अंडर द कर्व गाइस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ साइकिल, टोटल लेंथ ऑफ साइकिल, तो एरिया कैसे निकालोगे हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया कैसे निकालोगे हाफ बेस इनटू हाइट, उस एरिया निकाल लो और आंसर बता दो, या निर्भय कार्तिक सद्दाम अपूर्वा इज राइट, शब्बीर इज सेइंग सी, सी इज नॉट द आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर, तो आपको क्या करना है सर, एरिया निकालना है हाफ बेस इनटू हाइट और इसका लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो हाफ बेस इनटू हाइट और इसका एरिया निकाल लो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया तो आराम से निकल जाएगा, इसका एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 1 मिलीसेकंड और हाइट कितनी है 1, तो 1 मिलीसेकंड इनटू 1, तो ये हो गया आपका 1/2 मिलीसेकंड, ये एरिया इसका हो गया, और नीचे वाले का एरिया निकाल लो इसका, इसका एरिया कितना होगा 2 - 1 = 1 मिलीसेकंड और ये -1, यानी 1 × -1 यानी -1 मिलीसेकंड, ये एरिया हो गया, तो ये हो गया बेटा हाफ -1 मिलीसेकंड, ये तो एरिया हो गया, डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज 2 मिलीसेकंड, तो ये हो गया -1/2 डिवाइड बाय यानी -1/4, -1/4 का मतलब होता है बेटा -0.25, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुष्मिता इज राइट, वेंकट इज राइट, एवरीबॉडी इज राइट, दोज हु हैव कमेंटेड इन द कमेंट सेक्शन, ये 2017 का क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन था, एक 2020 का क्वेश्चन और है, एक 2020 का क्वेश्चन और है, अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, क्वेश्चन क्या है देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा, गेट 2020 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है 2020 का, तो इसको कर लो, इसको फटाफट से करो, ये होमवर्क नहीं है, इसको मैं आज ही कराऊंगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं आज ही कराऊंगा, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से, आपको दे रखा है 2 एमिटर A1, A2, A3 तीन एमिटर्स आपको गिवन है, A1, A2, A3 तीन एमिटर्स आपको गिवन है, A1 का A2 और A3 का करंट आपको दे रखा 1 एंगल 10 डिग्री, A2 का करंट दे रखा 1 एंगल 70 डिग्री और I1 का करंट पूछा है, I1 का करंट पूछा है, 2020 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का 1 मार्क का, तो उससे पहले मैं पिच क्रिएट कर रहा हूं, उसके बाद इसका सोल्यूशन कराऊंगा, मैं कराऊंगा सोल्यूशन पक्के से आज, ठीक है, चलो आए, देखो यार अभी तक अगर आपने प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आइकॉनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, प्लस का जो फीस है वो है 22,500, आइकॉनिक का जो फीस है वो है 40,500, आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर को फीस हाइक होगा, 30-40% फीस हाइक होगा, यानी मेरे हिसाब से जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक की रेट पे बिकेगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक की रेट पे बिकेगा, तो अगर आप चाहते हो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो देख लो अभी आपके पास 4 दिन बच रहे हैं, 4-5 दिन बच रहे हैं, जल्दी से 3 मंथ का या 1 मंथ का प्लान ले लो, सबसे पॉपुलर प्लान जो अनअकैडमी पे चल रहा है 12 महीने का प्लान है यार बेटा, 12 महीने का सबसे पॉपुलर प्लान है 1 ईयर और उसका पैसा आपको सिर्फ देना 22,500 यानी पर मंथ आपको 2,000 रुपए भी नहीं देना है, पर मंथ आपको 1700-1800 रुपए कुछ देना है, आप समझ रहे हो 1700-1800 रुपए पर महीना देना, तो इससे कम तो क्या देगा यार आपको कोई, और आपको कोड क्या लगा देना बेटा, तो जितने भी लोग लाइव हो यार एक बार सुन लो, प्रमीट 10 कोड लगा दो, अगर आपने अभी तक कोड नहीं लगाया है प्रमीट 10 तो जल्दी से कोड लगा दो, इसके बाद मैं आपको 2020 का क्वेश्चन पक्के से कराऊंगा, वो होमवर्क में नहीं दूंगा, क्योंकि तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है, आइकॉनिक के लिए जो रेट है 40,500, तो जल्दी से यार डिस्काउंट मार दो, जल्दी से ले लो, अब ये देखो 25,000 का इस पे डिस्काउंट मार के इतना आ रहा है,
ये ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन 45,000 रुपए करीबन का है, 45,000 का सब्सक्रिप्शन है यार, 4,500 का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी दे रहा है, 45,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, 10% ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा आपका 40,500, 4,500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ डिस्काउंट चाहिए तो कोड लगाओ प्रमीत 10, प्रमीत का मतलब बेस्ट फ्रेंड, 10 का मतलब अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने गेट में तो जल्दी से लगाओ, या अंडर 100 रैंक का लाना है तो प्रमीत 10 कोड लगाओ यार। ये आपकी चाबी है गेट की, ये आपकी चाबी है आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी रुड़की की, आईएससी बैंगलोर की। अगर आप चाहते हो कि आप एमटेक करो, ओएनजीसी में जाओ, पीएसयू में जाओ, तो कोड लगाओ प्रमीत 10, ठीक है। क्रिएटरेक्स और अनअकैडमी की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा प्रमीत 10। चलिए नेक्स्ट, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ 3 मंथ का प्लान ले लो, 3 मंथ का प्लान ले लो, 11,500 रुपए में आ रहा बेटा, 11,500 रुपीज में ये आ रहा है, और जल्दी से ले लो, महीने का आपको 4,000 रुपए भी नहीं पड़ना है, मंथली कितना देना है आपको 4,000 ओनली मंथली। तो आप क्रेडिट कार्ड से दे दो, डेबिट कार्ड से दे दो, SBI से दे दो, एक्सिस बैंक से दे दो, बजाज फिनसर्व से दे दो, लेकिन कोड लगाओ प्रमीत 10। अपने मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, भाई से बात करो, भाभी से बात करो, जिससे बात करनी है बात करो, लेकिन कोड लगा दो प्रमीत 10। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करो, कोई हेल्प चाहिए तो अनअकैडमी ऐप पे जाके मुझे मैसेज करो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और ये आपका टेलीग्राम चैनल है बेटा, क्रिएटर्स गेट डबल, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना, सारा पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगा क्रिएटर्स गेट डबल चैनल पर, ठीक है। और मेरी गेट की क्लासेस रोज सुबह भी होती है 11 बजे, आपको बता देखो 11 से 12 सुबह मॉर्निंग में मैं ले ही रहा हूं, आपकी क्लास चल रही है मेजरमेंट की, 3 इनिशिएटिव मैं चला रहा हूं एक साथ, और रात को 11 से 12 नाइट में मैं चला रहा हूं आपके लिए सिग्नल सिस्टम, सबको मालूम होगा आज से चलेगी क्वेश्चन सीरीज सिग्नल सिस्टम PYQ सीरीज, एक बार अटेंड कर लेना जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, PYQ सीरीज। तीसरा इनिशिएटिव मैं चला रहा हूं दिन में 1 से 3 बजे तक, अब बताओ 4 घंटा तो मैं आपके लिए बुकूं, ये फ्री वाला कंटेंट है सारा, पेड़ वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, 4 घंटे 1 से 3 मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, और वो चल रहा है वहां पे सिग्नल सिस्टम, और आज टॉपिक चलेगा वहां पे कॉन्वोल्यूशन। स्पेशल क्लासेस है बेटा, स्पेशल क्लासेस तो मेरी स्पेशल क्लासेस में आओ 1 से 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक मैं आपको स्पेशल क्लासेस में सिग्नल सिस्टम पढ़ाता हूं, तो दिन में 1 बजे आना ना भूलना, 1 घंटे बाद, अभी 50 मिनट के बाद मैं स्पेशल क्लासेस में मिलूंगा, 1 से 3 आना मत भूलिएगा, 2 घंटे की रोज क्लास होती है, 25 दिन में पूरा सिग्नल सिस्टम करा रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, 1 से 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक स्पेशल क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप अनअकैडमी पे आ जाओ, मॉर्निंग बैच मेजरमेंट, नाइट बैच में सिग्नल सिस्टम PYQ, 20 साल के IN वालों के लिए, बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो जल्दी से यार मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या था आपका, आ जाओ, क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पे करंट है I3, तो I1 की वैल्यू हो गई I2 प्लस I3, तो आपको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, 1 एंगल 10 डिग्री और ये हो गया 1 एंगल 70 डिग्री, ठीक है, 1 एंगल 10 डिग्री और 1 एंगल 70 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, अरे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लो बच्चों, 1.732 सुष्मिता शब्बीर, राइट आंसर गाइस, राइट 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 राइट। तो इसको क्या लिखोगे, तुमने पढ़ा होगा 1 एंगल, सुनो ये क्या है, 1 एंगल e^j 10 डिग्री, ऐसी तो है ये, इसको उसमें कन्वर्ट कर लो ना, तो e^j 10 क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कन्वर्ट कर लो ना इसको, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो cos 10 + j sin 10, इसको लिख लो cos 70 + j sin 70, तो रियल और इमेजिनरी में अलग अलग कर लो, रियल और इमेजिनरी में अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा cos 10 + cos 70 डिग्री, ये रियल पार्ट हो गया आपका, j sin 10, मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूं ऐसा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लो, तो cos 10 और cos 70 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना, 1.3268 इसकी वैल्यू आ रही है, और sin 10 + sin 70 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना 1.1133, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये I1 आ गया, इसको मैग्नीट्यूड निकालो, I1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1.3268 का स्क्वायर, कितना आसान है देखो, 1.1133 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, फेज एंगल कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स,
1.1133 डिवाइड बाय 1.3268। तो आपको रीडिंग निकालनी है, मीटर की फेज एंगल तो बताना नहीं है, फेज एंगल तो बताना नहीं है, तो फेज एंगल मत बताओ, आई वन की वैल्यू बता दो यहाँ पर, बस आ रही है वो कितनी आ रही है 1.732, ये आंसर आएगा 1.732, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 1.732 और फेज एंगल निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 39 समथिंग आ रहा है, यानी 40 डिग्री आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो 40 डिग्री लिख लो, लेकिन आपको एंगल नहीं बताना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है 3 decimal places तक, तो 1.732 इज द आंसर। बेटा देख तो लिया क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन देख लो मैं तुम्हारा, बताऊं ये क्वेश्चन ही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। अब तुम्हारे लैग आ रहा है तो मैं क्या करूं बताओ, तुम्हारे यहाँ पर लैग आ रहा है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, तुम्हारे यहाँ पे लैग आ रहा है तो उसका तो मैं क्या करूं बताओ। ठीक है चलो, तो मैंने बेसिकली आपको सारा क्वेश्चन करा दिया, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो दिस इज प्रमित लवा साइनिंग ऑफ, और कल आपका जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया, कल जो आपका टॉपिक है, कल जो आपका टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो आना ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किताब में गलत गलत डायग्राम दे रखे हैं, गलत गलत तरीके से समझा रखा है, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अट्रैक्शन टाइप क्या है, रिपल्शन टाइप क्या है। तो कल आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, कोई डाउट आपका अनटन नहीं रहेगा। तो किताबों में आप देखना, आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज कल जब आप सुबह आएंगे मॉर्निंग में 11 से 12, तो आपको सारे डायग्राम समझ में आएंगे, आपको सारे डायग्राम समझ में आने वाले हैं। तो यार जल्दी से जाते जाते सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो फेसबुक पर, और रात को आना मत भूलना, रात को आपको आना है सिग्नल सिस्टम की क्लास में, रात को आपको आना है सिग्नल सिस्टम की क्लास में, PYQ इंस्ट्रूमेंटेशन रात को 11 बजे। बात समझ में आती है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज प्रमित लवा साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। रात को मिलते हैं 11 बजे, रात को मिलते हैं 11 बजे, थैंक यू सो मच।